दोनों हाथों का घर्षण करते हुए अपनी आंखों पे लगाए और धीरे से आंखें खोले। हरिओम। थैंक यू। चलिए सब लोग आगे। कल क्लास समझ में आ गई थी सबको? यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आया हो? कोई भी देखिए जिसको नहीं समझ में आया है वो प्लीज। मुझे समझ में नहीं आया था मैम। अच्छा आपको समझ में नहीं आया था। और कोई इसमें से हो जिनको नहीं समझ में आया था? देखिए अभी शुरुआती क्लास है ना, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी बताइए, फिर 5-6-7 क्लास हो जाएगी ना तो फिर दिक्कत होगा उस समय फिर से क्लास 1 से शुरू करना। कोई ऐसा हो जिसको और नहीं समझ में आया हो? कोई भी मैम एकदम से तो समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में जब रिकॉर्डिंग सुनते हैं ना तो मैम समझ में आ जा रहा है। अच्छा ठीक है। चलिए तो मैं होमवर्क भेजी थी ग्रुप में, सबने देखा होमवर्क? यस मैम देखा है, इसमें 2-3 पॉइंट समझ में नहीं आ रहे थे। अच्छा 2-3 पॉइंट समझ में नहीं आ रहे थे, ठीक है चलिए अभी हम करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है सबको? जी यस मैम। ठीक है चलिए अभी इसमें ये होमवर्क दिया था जो मैंने आपको, आप लोग ऐसा कीजिएगा उस होमवर्क को हम मंडे को डिस्कस करेंगे। अभी और होमवर्क दूंगी मैं क्योंकि कल परसों तो क्लास होगी नहीं आपकी, ठीक है? कल परसों छुट्टी होगा आपका सैटरडे संडे का, तो अभी 1-2 होमवर्क और भेजूंगी मैं ग्रुप पे आपको। कल के क्लास में क्या समझ में नहीं आया ये मुझे बताइए। शायद मैम जिस ग्रुप में आपने होमवर्क भेजा है ना उसमें हम है नहीं, तो मुझे नहीं पता चला वो, और क्योंकि मैंने 3 बजे ऑफ कर दिया था, मुझे कहीं जाना पड़ा किसी काम से। अच्छा ठीक है। और कोई हो जिसको रिसर्च प्रोसेस नहीं समझ में आया? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। कोई और हो जिसको नहीं समझ में आया, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया हो? मुझे स्क्रीन दिख नहीं रहा है तो आप लोग ऑडियो यूज करके बोलिए। अच्छा डिफिकल्ट सा लग रहा है आपको। देखिए पहले अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आपने भी कोई प्रोसेस सोचा होगा कि आपको यूजीसी नेट जो है आप जो दिसंबर में अपियर होंगे आपको क्या करना है उसके लिए? आपने एक प्लानिंग की ना कि मुझे ये कोचिंग ज्वाइन करना है तभी मैं इसको जो है क्वालिफाई कर पाऊंगी, ठीक है? तो उसी तरह आप जब रिसर्च करने के पहले का ये प्रोसेस है, मतलब अभी आप रिसर्च कर नहीं रहे हैं, आपके दिमाग में बस एक आइडिया आया है कि हाँ मैं ये टॉपिक लूंगी, इस टॉपिक पे काम करूंगी, मैं इस पे काम करूंगी, मैं बच्चों को सैंपल मेरे बच्चे होंगे, मतलब इस तरह करके जो है आप एक दिमाग में बना रहे हैं। जैसे कि अभी आपने आपको 2023 दिसंबर का जो पेपर देना है उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग की हुई है ना आपने, तो आप एक प्लानिंग फेज में है अभी, ठीक है? एक प्लानिंग फेज में है। उसी तरह जैसे हम रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च करने का पहले का स्टेप है ये, अभी रिसर्च शुरू नहीं हुआ है, अभी हमने रिसर्च शुरू नहीं किया है, रिसर्च करने के पहले का स्टेप है ये सारा, कि रिसर्च शुरू करने के पहले हमें कैसे जो है रिसर्च स्टेप्स बनाने होते हैं। कल को मान लीजिए आपको रिसर्च करना हो, मैं ही बोलती हूँ आपको कि मैं प्रपोजल भेज रही हूँ आप रिसर्च करके आइए, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको प्रपोजल बनाना होगा ना कि आप क्या करना चाह रही हैं, आपका जो है रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आप लिटरेचर रिव्यू कितने पेपर पर आपने पढ़ा है अपने रिसर्च को करने के लिए, किस तरह का डिजाइन आपने लिया है, एक्सपेरिमेंटल लिया है, थ्योरेटिकल लिया है, कौन सा आपका डिजाइन है, ठीक है? उसके बाद अगर आपने एक्सपेरिमेंटल लिया है तो आप डेटा कलेक्शन कहाँ से करेंगी, ठीक है? तो इस तरह से अभी हमारा रिसर्च शुरू नहीं हुआ है, ये बस एक हमारा थॉट प्रोसेस है कि हम अपने रिसर्च को कैसे करते हैं पेन और पेपर पे, ठीक है?
तो ये है कि हम रिसर्च, ये स्टेप्स है कि रिसर्च करने के पहले हमें क्या क्या करना होता है, ये है। ये अभी हमने रिसर्च शुरू नहीं किया है, ठीक है। तो मैं आपको जो है अभी आज लिटरेचर रिव्यू करना बताऊंगी। पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि रिसर्च क्वेश्चन आपका कैसा होना चाहिए, कैसे डिजाइन करना चाहिए। रिसर्च क्वेश्चन का मतलब हुआ आपका रिसर्च टॉपिक, जो भी रिसर्च टॉपिक आपने सोच के रखा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपको डायबिटीज पे काम करना है, आपको हाइपरटेंशन पे काम करना है, आपको एंगर मैनेजमेंट पे काम करना है, बहुत सारा प्रॉब्लम है ना। किसी भी प्रॉब्लम जो आप काम करते हैं, जो टॉपिक है आपका रिसर्च का, वही आपका ये रिसर्च क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो पहले इतना समझ में आ गया सबको, यस मैम। ठीक है। जिनको जिनको समझ में नहीं आया है वो क्लास के बाद रहिएगा, आप थोड़ा सा मैं बात करूंगी आपसे, ठीक है। उसके बाद फिर हम मंडे के क्लास में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। मंडे आपका एक टेस्ट की तरह है, तो पूरा अभी तक जितना भी आज पढ़ाई हो जाएगा वो करके आइएगा आप, ठीक है। हाँ क्वेश्चन था हाँ बताइए। मैम, जैसे रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन एक ही है और दोनों सेम ही है? रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च क्वेश्चन, देखिए जो पहला स्टेप है ना, सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपना टॉपिक बनाएंगे ना। तो रिसर्च क्वेश्चन आपका टॉपिक है, जो आप रिसर्च क्वेश्चन हो गया, जो आप सबसे पहले जो है क्या, आप जैसे कि सबसे पहले आप क्या करेंगे रिसर्च में, आपके पास एक सर्टन टॉपिक होना चाहिए ना कि किस चीज पे रिसर्च करना है आपको, क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं। तो रिसर्च क्वेश्चन हो गया, रिसर्च टॉपिक हो गया, या रिसर्च आपका टाइटिल हो गया, इसको एक टाइटिल समझिए आप, ठीक है। जो रिसर्च टाइटल आप रखते हैं ना कि आपके रिसर्च का नाम क्या होगा, ठीक है। सिर्फ ये बोलना थोड़ी होगा कि हम मुझे हाइपरटेंशन पे रिसर्च करना है, तो हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि मुझे हाइपरटेंशन पे करना है। तो कुछ ना कुछ तो उसका नामकरण आप देंगी ना कुछ टाइटल तो होगा ना आपके रिसर्च का, ठीक है। तो टाइटल कैसे बनाया जाता है वो आज हम सीखेंगे, और लिटरेचर रिव्यू कैसे किया किया जाता है, ये दो चीज आज हम लोग को यहाँ करना है, ठीक है। तो रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च टाइटल आपका, ये सारा सेम है। तो ये कैसा होना चाहिए, कैसे बनाते हैं, क्या क्या इसमें आपको डालना चाहिए, ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे। कि आपका जो रिसर्च टाइटल है, जैसे मान लीजिए हाइपरटेंशन ही है, तो हाइपरटेंशन ही है तो हम थोड़ी बोलेंगे कि मैंने, आप मेरे से पूछेंगे कि मैम आपने किस चीज पे रिसर्च किया, तो मैं आपको बोलेंगे मैं हाइपरटेंशन पे क्यों। फिर अगर आप मेरे से ये पूछते हैं कि मेरे रिसर्च का टाइटल क्या है, ठीक है, तो टाइटल तो एक सर्टन टाइटल जिसमें बहुत सारा, जैसे आपका सूत्र होता है ना, जैसे पतंजलि में क्या है, पतंजलि में तो हम लोग सूत्र याद करते हैं, तो एक छोटे से सूत्र में, चार वर्ड्स में कितने कितना गहरा मीनिंग होता है उसमें, है ना। तो उसी तरह हम लोग रिसर्च टाइटल या रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं अपने रिसर्च का, कि कम से कम वर्ड में उसमें ज्यादा से ज्यादा चीज दिखे उसमें हमारा, ठीक है। जैसे कि मेरे से कोई पूछे तो मैं एक लड़की हूँ, फिर मेरा नाम पूछेंगे ना, तो उसी तरह आपका ये जो है आपके रिसर्च क्वेश्चन, जो आप टाइटल बना रही है, जो नाम बना रही है, यही रजिस्टर्ड होता है आपका CTRI में। जैसे किसी मूवी का नाम होता है ना, ठीक है, तो उसी तरह ये रिसर्च क्वेश्चन जो है आप अपने रिसर्च के नाम देती हैं। आप उसका नामकरण कैसे करेंगी, उसका टाइटल कैसे बनाएंगी, वही आपका रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हमें ये दो चीज पढ़ना है, रिसर्च क्वेश्चन और लिटरेचर रिव्यू। समझ में आ गया ये चीज, यस मैम। ठीक है। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करें, आगे बढ़े हम। ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, एक एक करके पढ़ना है। अभी जैसे आज मैं अभी रिसर्च क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, फिर लिटरेचर रिव्यू पढ़ाऊंगी, फिर डिजाइन पढ़ाऊंगी, फिर डेटा कलेक्शन, ये एक एक करके पढ़ना है। ये तो स्टेप्स आपको बताना था, ये स्टेप्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ठीक जी मैम। है, चलिए। मैम हाँ, मैम क्वेश्चन आयर किस में आएगा? क्वेश्चन है यार आपका, किस में आएगा, मीन्स मैं समझी नहीं। जैसे रिसर्च क्वेश्चन है जिसको आपने बताया कि टाइटल भी हो सकता है, टॉपिक का नाम जो एक्चुअल है, हाँ, वो वेरिएबल को नापने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर बीपी नाप रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन है क्या होता है कि अगर मुझे किसी का एंजाइटी नापना है, किसी का जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल होता है, वो हमें ब्लड टेस्ट से पता नहीं चलता है, उसके लिए हमें क्वेश्चन एयर यूज करना होता है, वैलिडेटेड क्वेश्चन एयर, ठीक है। तो क्वेश्चन एयर जो है आपका, ये क्वेश्चन नहीं है, ये रिसर्च टाइटल और क्वेश्चन एयर अलग है। क्वेश्चन एयर अभी पढ़ाऊंगी मैं अभी आपको, ठीक है।
मैम वो डाटा कलेक्शन में नहीं आना चाहिए। क्या क्या डेटा कलेक्शन कलेक्शन में आ जाएगा क्वेश्चन? हाँ हाँ अभी बिल्कुल बिल्कुल, डेटा कलेक्शन जब हम करते हैं तो वो क्वेश्चनेयर यूज करते हैं। जब भी हम डेटा कलेक्शन करते हैं ना तो हमें क्वेश्चनेयर को यूज करते हैं, लेकिन ये रिसर्च क्वेश्चन और क्वेश्चनेयर ये दोनों डिफरेंट चीज है। क्वेश्चनेयर होता है वेरिएबल को नापने के लिए, अभी वेरिएबल नहीं पढ़ाई हूँ मैं आपको, वेरिएबल को नापने के लिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना उसको हमें नापना होता है क्वेश्चनेयर से, रिसर्च के पहले और रिसर्च के बाद, ठीक है वो अलग चीज है। ये रिसर्च क्वेश्चन अलग चीज है, ये आपका टाइटल है, ये नामकरण है आपके रिसर्च का, ठीक है। और क्वेश्चनेयर जो है वो अलग चीज है। क्वेश्चनेयर तो हो गया कि जो आप उनसे फिल करा रहे हैं बच्चों से, या जो भी आपका सैंपल है या जो पेशेंट है आपके, ठीक है वो क्वेश्चनेयर हुआ, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, रिसर्च क्वेश्चन और क्वेश्चनेयर दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। उनका क्वेश्चन था जो क्वेश्चनेयर कौन सा फ्रेज में आएगा, जैसे डेटा कलेक्शन में आ जाएगा, ये वो उनका क्वेश्चन है। जो प्लानिंग, हाँ हाँ देखिए जो आप प्लानिंग है ना तो आपको ये मेंशन करना होगा कि आपका असेसमेंट टूल क्या है, यही जो क्वेश्चनेयर आप यूज कर रहे हैं ना, तो ये आपको प्लानिंग में डालना होगा कि आप कौन से आपका सैंपल क्या है, आप कौन सा क्वेश्चनेयर यूज कर रहे हैं। तो अभी जब मैं आपको वो दूंगी ना कि आपको एक प्रपोजल बनाने दूंगी, रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, तो उसमें सेम ऐसे ही स्टेप्स दिए होंगे, उसमें लिखा होगा कि आपका सैंपल क्या है, आपका डिजाइन क्या है, इस तरह से सारा कुछ लिखा होगा, आपका हाइपोथेसिस क्या है। तो उसमें आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा जब आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, तो आपको प्लानिंग में ही डालना है। वो यूज हम डेटा कलेक्शन में करते हैं लेकिन वो प्लानिंग में आपको लिखना है। मैम ये कह सकते हैं ऑन द पेपर एंड पेन फर्स्ट जो फेस रहेगा और सेकंड और थर्ड आपका प्रैक्टिकल रहेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, थर्ड प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ सेकंड प्रैक्टिकल, सेकंड है। थर्ड में मैम एनालिसिस अपन जो वो मतलब बैच वो बनाते हैं, क्या कहना चाहिए, एग्जिट एग्जिट सेल वो बनाते हैं एक्सेल, तो उसमें भी प्रैक्टिकली हम डालेंगे ना एक्सेल शीट जो बनेंगे, जो एक्सेल शीट आप बनाएंगे ना, एक्सेल शीट बनाएंगे तो आप जो डेटा कलेक्शन करके लाए हैं ना, जैसे मान लीजिए 100 सैंपल साइज था तो 100 डेटा हो गया ना आपका, ठीक है, तो उसको आप एक्सेल शीट में डालते हैं, फिर उसी एक्सेल शीट के हेल्प से जो है हम सारा कंक्लूजन, फिर स्टेटिस्टिकल जितने भी टेस्ट होते हैं, पैरामेट्रिक नॉर्म, मतलब वो सारे टेस्ट फिर हम वही एक्सेल शीट से होता है, मतलब उसको हम हमें हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ठीक है। तो इसी बेसिस पे आपको जो अभी मैं प्रपोजल बनाने, एक्चुअली मैं अभी अब तक वेरिएबल वगैरह आपको पढ़ाई नहीं हूँ, पहले वो सारा कुछ पढ़ा दूंगी, उसके बाद आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने दूंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, और किसी को कोई डाउट हो इसमें रिसर्च प्रोसेस में, कोई भी, एनी वन? मैम हाँ बताइए मैम, लास्टली फिर हम ये कह सकते हैं जैसे क्वेश्चनेयर डाटा कलेक्शन में हम यूज करते हैं बट उसको मेकिंग प्रोसेस जो होता है वो फेज वन में होगा ना? हाँ हाँ फेज वन प्लानिंग में लिखेंगे आप उसको। जी जी थैंक यू मैम, ठीक है चलिए आगे बढ़ते फिर हम क्लास से। अब देखिए आपका क्या है, रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है रिसर्च क्वेश्चन। चलिए अभी ये अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगी अभी आपको, एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड रिसर्च, ठीक है चलिए। अब रिसर्च क्वेश्चन है तो आपका टाइटल कैसा होना चाहिए, जैसे मैं आपको बताई कि कोई भी सूत्र, जैसे पतंजलि योग सूत्र ले लीजिए, ठीक है पतंजलि में सूत्र लिखा होता है ना, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा मीनिंग दिया होता है, ठीक है। अगर आप चित्त वृत्ति निरोध का अगर आप संक्षेपण निकालेंगे तो क्या होगा, ये तीन वर्ड से जो है हम 300 वर्ड लिख सकते हैं, मतलब ये कम से कम शब्दों में इतना सारा नॉलेज दिया हुआ है। उसी तरह जब आप एक रिसर्च टाइटल बनाते हैं, ठीक है अपने रिसर्च का नाम रखते हैं, तो उस रिसर्च के नाम रखने में भी आपको क्या क्या होना चाहिए, उस नामकरण में आपको क्या क्या होना चाहिए ये पढ़ेंगे हम। आपका रिसर्च क्वेश्चन जो आप जो भी आप सोच के रखिए कि मुझे इस चीज पे रिसर्च करना है, उसका टाइटल कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि नॉबल होना चाहिए, डुएबल होना चाहिए, सोशली रिलीवेंट होना चाहिए। अब रिसर्च क्वेश्चन जो हमारा टाइटल है, जो रिसर्च क्वेश्चन है, वो कैसे हमें कैसे लिखना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, देखिए इट शुड बी प्रिसाइज, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीजों को लिखना है। इट शुड कंटेन द एसेंस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है
गिव एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। जैसे कि इंटरवेंशन क्या है आपका, अगर हम कोई रिसर्च करते हैं तो इंटरवेंशन है हमारा योगा, ठीक है। कोई भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे तो उसमें इंटरवेंशन जो देते हैं, आसन प्राणायाम मुद्रा जो भी हम देते हैं, वो इंटरवेंशन क्या हो गया, वो इंटरवेंशन हमारा हो गया योगा। पॉपुलेशन हो गया आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर जैसे हाइपरटेंशन पे कर रहे हैं आप तो हाइपरटेंशन वाले लोगों को ही अपने सैंपल में लेंगे, ठीक है। वेरिएबल अभी पढ़ाई नहीं हूं, मैं पढ़ाऊंगी तो फिर मैं क्लियर करूंगी इसको। और टूल्स हो गया, जैसे आप क्वेश्चनेयर बोल रहे थे, यही टूल्स है आपके, ठीक है। आप डिप्रेशन नाप रहे हैं, एंजाइटी नाप रहे हैं, आप कौन सा जो है टूल यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च में, ठीक है। आप ये सारा चीज का जो है ना, मतलब ये सारा चीज आपके टॉपिक में दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको सूत्र का एग्जांपल दी कि 3 वर्ड में ही हम 300 वर्ड लिख सकते हैं, उसी तरह हम जब टाइटल बनाते हैं रिसर्च का, तो रिसर्च टाइटल में भी हमें ऐसा ही रखना चाहिए कि कम से कम शब्दों में हमारे टाइटल से ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखे, ठीक है। इंटरवेंशन में बता दी योगा है आपका, पॉपुलेशन जो भी आप जिस चीज पे भी सोच रहे हैं रिसर्च करने का, ठीक है, वो आपको किस पॉपुलेशन पे करना है, ठीक है, ये हो गया। वेरिएबल मैंने बताया आपको, मैं पढ़ा दूंगी तो मैं बताऊंगी वेरिएबल क्या होता है। टूल्स आप क्या यूज कर रहे हैं अपने रिसर्च में किसी चीज को नापने के लिए, वो आपके असेसमेंट टूल्स हो गए, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक टाइटल आपका लिखा है रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है, ये रिसर्च क्वेश्चन है आपका कि कैन प्रैक्टिस ऑफ 1 मंथ ऑफ भ्रामरी प्राणायामा या ब्रीदिंग एक्सरसाइज इंक्रीज द लंग कैपेसिटी ऑफ अस्थमेटिक्स, ठीक है। कोई रिसर्चर है जो भ्रामरी प्राणायामा पे रिसर्च कर रहा है, ठीक है। भ्रामरी प्राणायामा सबको पता है होगा, यहाँ पे सब लोग, आप लोग योगा के स्टूडेंट हैं, तो 1 मंथ के भ्रामरी प्राणायामा से क्या लंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सकता है, ये हमारा है रिसर्च क्वेश्चन। देखिए रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च टाइटल में एक डिफरेंस है आपका कि रिसर्च क्वेश्चन आपका क्वेश्चन के फॉर्म में होगा, ठीक है, रिसर्च टाइटल आपका क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें ये क्वेश्चन फॉर्म में है ना, कैन प्रैक्टिस ऑफ 1 मंथ ऑफ भ्रामरी प्राणायामा इंक्रीज द लंग कैपेसिटी ऑफ अस्थमेटिक। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें इंटरवेंशन भी आ गया, इंटरवेंशन क्या है हमारे यहाँ पे, भ्रामरी प्राणायामा, ठीक है। रिसर्च में हम क्या यूज कर रहे हैं, जो सैंपल को हम क्या 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 दे रहे हैं, सिर्फ हम भ्रामरी प्राणायामा दे रहे हैं, ठीक है। कितने मंथ्स के लिए दे रहे हैं, इसमें ड्यूरेशन भी आ गया है, 1 मंथ के लिए दे रहे हैं, ठीक है। पेशेंट अब हम किसके ऊपर कर रहे हैं, अस्थमेटिक पेशेंट के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। हमारा पॉपुलेशन क्या है, हम किसके ऊपर कर रहे हैं, अस्थमेटिक के ऊपर कर रहे हैं, पॉपुलेशन हो गया हमारा अस्थमेटिक, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें कम से कम शब्दों में जो है आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपके रिसर्च में दिखना चाहिए, ठीक है। तो रिसर्च क्वेश्चन हमेशा आपका रिसर्च क्वेश्चन के फॉर्म में होगा। क्या ऐसा हो सकता है, अगर मैं कोई मॉड्यूल बनाई हूँ तो मैं लिखूंगी क्या मेरा मॉड्यूल इस चीज पे काम कर सकता है, क्या मेरा योगा मॉड्यूल हाइपरटेंशन वाले के लिए काम कर सकता है, ठीक है, या एडोलमिस, इस तरह से वो क्वेश्चन फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो आपको इसको क्वेश्चन फॉर्म में बनाना होता है कि आप जो भी सोच रहे हैं उसको कम से कम शब्दों में और ज्यादा से ज्यादा बात को लिख सके अपने रिसर्च को। आपका रिसर्च क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें इंटरवेंशन, जैसे इसमें इंटरवेंशन भ्रामरी प्राणायाम दिख रहा है, पॉपुलेशन क्या है, अस्थमेटिक लोगों का है, वेरिएबल अभी आपको मैं बताऊंगी तो ये करूंगी, टूल्स क्या है, तो इसमें जो है टूल्स जो यूज हुआ है कैन प्रैक्टिस ऑफ 1 मंथ ऑफ भ्रामरी प्राणायाम इंक्रीज द लंग कैपेसिटी, इसमें टूल्स का नहीं दिखा हुआ है, कोई भी टूल्स में यूज हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज है, मतलब कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातों को आपको अपने रिसर्च क्वेश्चन में डालना है, ठीक है। मैम तो इसमें टाइटल क्या डिसाइड किया होगा, अगर इसमें टाइटल की बात करें तो इसमें टाइटल कुछ भी हो सकता है आपका, हो सकता है कि ये पायलट स्टडी हो, ठीक है, तो उसमें हो, इसमें टाइटल ऐसे बनेगा कि भ्रामरी प्राणायामा इंक्रीजेज लंग कैपेसिटी इन अस्थमेटिक अ पायलट स्टडी, ठीक है, या अ आरसीटी स्टडी। टाइटल आपका क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं होगा, ये नहीं होगा कि कैन प्रैक्टिस ऑफ वन, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन के फॉर्म में है। लेकिन अगर हमें टाइटल बनाना होगा तो इस तरह बन सकता है कि भ्रामरी प्राणायामा इंक्रीजेज द लंग कैपेसिटी ऑफ अस्थमेटिक अ पायलट स्टडी,
ठीक है, या इस तरह हो सकता है कि ए आरसीटी स्टडी, मतलब जो सा भी वो स्टडी हो, स्टडी अभी आपको बताना है मुझे, पढ़ाना है, ठीक है, तो ये इस तरह से होगा, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। आंसर फॉर्म होगा या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में, क्या क्या, तो क्या हम कह सकते हैं कि आंसर फॉर्म में होगा या फिर सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, जो भी टाइटल होगा हमेशा। ये क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन है वो तो क्वेश्चन के फॉर्म में ही होगा। एक्चुअली क्या होता है कि इसको हम क्वेश्चन फॉर्म में टाइटल को इसलिए नहीं देते क्योंकि जब हम रिसर्च पेपर पढ़ते हैं उसमें सारा कुछ दिया रहता है, उसमें रिजल्ट दिया होता है, फाइंडिंग दिया होता है, कंक्लूजन दिया होता है, तो हमें ये क्वेश्चन फॉर्म में सिर्फ आपको रिसर्च क्वेश्चन को रखना है। जब आप अपने रिसर्च का जो है, जब आप कोई रिसर्च पेपर डिजाइन करते हैं या स्टेप्स बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको रिसर्च क्वेश्चन पे फोकस करना है। जैसे मैंने आपको कहा था कि सब लोग एक एक आप प्रैक्टिस सोच के रखिए, एक एक रिसर्च क्वेश्चन सोच के रखिए कि आपको किस पे रिसर्च करना है। फिर एक दिन हम क्या करेंगे कि एक दिन फिर हम जो है आपके ही टॉपिक पे मैं सबसे पूछूंगी कि आप किस चीज पे रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, और खुद से अपना क्वेश्चन डिजाइन कीजिए, अभी से सुन, ठीक है। अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको सैम्पलिंग नहीं पढ़ाया है, पॉपुलेशन नहीं पढ़ाई हूँ, वेरिएबल्स नहीं पढ़ाई हूँ, टूल्स नहीं पढ़ाई हूँ, तो इसीलिए मैं अभी आपको ये होमवर्क नहीं दूंगी। लेकिन अभी से सोच के रखिए कि आपको किसके ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि 5-6 क्लास में या हफ्ते 10 दिन के क्लास में ये आपका ये सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो जिस दिन कवर हो जाएगा उस दिन मैं आपको रिसर्च प्रपोजल भी दूंगी। बस अभी से आप लोग ये सोच के रखिए कि आपको किसके ऊपर रिसर्च करना है, आपका रिसर्च टॉपिक क्या होगा, ठीक है, ठीक है मैम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन कुछ और था, जैसे कहने का मतलब था कैन प्रैक्टिस अपॉन मंथ ऑफ भ्रामरी प्राणायाम इंक्रीज द लंग्स कैपेसिटी ऑफ ऑस्टमेटिक, मतलब ये हो गया रिसर्च क्वेश्चन। हाँ, ये रिसर्च क्वेश्चन हो गया आपका, हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में होगा, लेकिन जो रिसर्च टाइटल की बात आपने किया तो आंसर या सॉल्यूशन के फॉर्म में होता ना हमेशा। नहीं, आंसर के फॉर्म में क्यों होगा, वो आंसर के फॉर्म में नहीं होगा। एक्चुअली देखिए, बहुत तरह का रिसर्च होता है, ठीक है, तो हमारे टाइटल से हमें आंसर नहीं देना है। हम आंसर कैसे देंगे, हम तो अभी जो है आप मान लीजिए, अगर कल को मुझे ही रिसर्च, मैं अभी रिसर्च पेपर लिख रही हूँ, तो मैं टाइटल जो दूंगी मैं आंसर के फॉर्म में थोड़ी दूंगी। मैं तो रिसर्च टॉपिक मेरा कब का रजिस्टर्ड हो चुका है, एक्सपेरिमेंट तो मैं अभी की ना, तो मैं आंसर कैसे दे दूंगी उसमें, बताइए। आप जो प्लानिंग फेज में आपने रिसर्च टॉपिक तो आपने रजिस्टर करवा लिया अपना रिसर्च टाइटल, तो मेरे पास तब होगा ना जब मैं उस चीज को कर चुकी होंगी, तो मेरा तो प्लानिंग प्रोसेस खत्म हो चुका है। प्लानिंग के बाद मैं डेटा कलेक्शन पे आती हूँ, उसके बाद मेरा रिजल्ट आता है जब मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जब उसमें टेस्ट लगता है, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि जो मैं कर रही हूँ वो हाइपोथेसिस सही होगा गलत होगा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। मैं तो ये सोची हूँ ना, एक दिमाग में मेरे आइडिया कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, है ना, तो कभी भी आंसर फॉर्म में टाइटल नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में होगा, ठीक है मैम। अगर इसको सिंपली अगर समझे तो जैसे अगर किसी शॉप का, अगर जैसे या कोई भी चीज का नाम होता है, उसके नाम से ही समझ में आता है कि वो किस चीज का शॉप है या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके टाइटल से समझ में आना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। इसमें भी क्या होता है ना कि दो तरह का टाइटल होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे ना CTRI में, तो उसमें दो तरह का टाइटल होता है। एक साइंटिफिक टाइटल होता है जो पढ़ के सब लोगों को समझ में नहीं आता, जैसे मान लीजिए कोई केमिस्ट्री वगैरह का हो या फिजिक्स का टाइटल हो, तो वो नहीं सबको समझ में आएगा जब तक वो उस फील्ड का नहीं होगा, ठीक है। लेकिन तो एक लेमन टाइटल बनता है, एक टाइटल ऐसा बनाते हैं हम कि जिससे जो है कोई भी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि ये रिसर्च किस चीज के ऊपर हुआ हुआ है, ठीक है। मैम, आपका रिसर्च का टाइटल शेयर कर सकते हैं? अभी कंप्लीट हो जाएगा तो पक्का मैं करूंगी, इवन मैं अभी पेपर राइटिंग में हूँ, पेपर छप जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, तो पक्का मैं करूंगी आप लोगों से, अभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये चीज है आपका, ठीक है, बस ये समझना है और आपको करना भी है, सिर्फ यहाँ पढ़ाई नहीं करना है, प्रैक्टिकल भी करना है। आप अपने दिमाग में सोच के रखिए, मंडे तक सोच लीजिए कि आपको किस चीज पे रिसर्च करना है, ठीक है। हो सकता है आपके डिजिटेशन में काम आ जाए, हो सकता है आपके PhD में ही काम आ जाए आगे चल के, ठीक है। तो हो सकता है आप रिव्यू आर्टिकल ही लिख दे इसके ऊपर। मैंने कहा ना कि PhD होना कोई जरूरी नहीं है पेपर पब्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो आप इस, हाँ बताइए
मैम जैसे भ्रामरी प्राणायाम करवाएंगे तो एज फैक्टर भी होगा मैम, सबको अलग अलग बिल्कुल इफेक्ट होगा। बिल्कुल, मैं इसीलिए तो आपको बोल रही हूँ कि ये होमवर्क मैं अभी आपको इसलिए नहीं दे रही हूँ कि बहुत सारी चीज ये सब चीज मैं नहीं पढ़ाई हूँ अभी आपको। बस आप ये समझिए कि ये सब चीज की जरूरत होती है, जब हम रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं ना तो ये सारी चीज जो है आनी चाहिए, मतलब ये सब चीज आपके रिसर्च क्वेश्चन में दिखना चाहिए। ये मैं जब आपको पढ़ा दूंगी कंप्लीट हो जाएगा तब आपको जो है प्रॉपर रिसर्च प्रपोजल बनाने दूंगी, फिर एक एक करके आप लोग जो है अपने रिसर्च प्रपोजल को दिखाइएगा कि आपने क्या क्या लिखा है, आप क्या क्या करना चाहते हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े का ही मैम रहेगा प्रेजेंटेशन जो लोग बना के लेके आएंगे। ठीक है। जैसे आप बता रहे थे अभी, और इनका एक क्वेश्चन था कि रिगार्डिंग सॉल्यूशन, एक टाइटल जो होता है वो सॉल्यूशन की तरफ है और या क्वेश्चन की तरफ है। आई थिंक ये इस चीज के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं शायद, जो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन से, हाँ, कि जो रिसर्च हो रही है वो तो क्वेश्चन पे है, लेकिन जो डिसिसमेशन होती है, जो आगे पब्लिकेशन होती है, वो सॉल्यूशन का टाइटल, मतलब वो ऐसा उसका जो सॉल्यूशन होता है वहां देखिए उसका टाइटल बनता है, ऐसा है? नहीं, देखिए रिसर्च क्वेश्चन और टाइटल में कंफ्यूज मत होइए। टाइटल अलग चीज होता है, रिसर्च क्वेश्चन अलग चीज होता है। टाइटल हो गया, जैसे मान लीजिए एक मैं योगा मॉड्यूल वैलिडेट कर रही हूँ, ठीक है, एक मैं योगा मॉड्यूल बना रही हूँ हाइपरटेंशन पेशेंट वाले के लिए। ठीक है, तो मेरा जो रिसर्च क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि क्या मेरा योगा मॉड्यूल हाइपरटेंशन पेशेंट वाले पे काम करेगा। ठीक है, अब पायलट स्टडी, मतलब सॉरी इसमें स्टडी नहीं आएगा, सॉरी सॉरी। ठीक है, मेरा बस ये रिसर्च क्वेश्चन होगा कि क्या मेरा ये योगा मॉड्यूल हाइपरटेंशन वाले लोगों पे काम करेगा, बस ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन होगा। लेकिन जो मेरा टाइटल होगा रिसर्च का वो होगा वैलिडेशन डेवलपमेंट वैलिडेशन और फिजिबिलिटी ऑफ पायलट स्टडी, सॉरी ऑफ जो भी मेरा रिसर्च टॉपिक है फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट अ पायलट स्टडी, इस तरह करके होगा। क्योंकि क्या होता है कि टॉपिक आपको पहले रजिस्टर कराना होता है, कोई भी फिल्म बनने के पहले, कोई भी मूवी बनता है तो उसका क्या होता है, उसका फिल्म का नाम तो पहले रजिस्टर्ड हो जाता है ना, फिल्म बाद में बनती है, ऐसा ही होता है ना। उसी तरह रिसर्च में आपको टाइटल तो आप प्लानिंग फेज में बना चुकी हैं, रिसर्च क्वेश्चन बन चुका है, रिसर्च क्वेश्चन भी बना बना चुकी है और टाइटल भी बना बना चुकी है, वो रजिस्टर हो गया आपका। वो रजिस्टर होने के बाद फिर आप जो है रिसर्च करना शुरू शुरू करते हैं, जब सारे कमिटी से आपका रिसर्च पास हो जाता है। ठीक है, तो टाइटल जी अलग चीज होता है और रिसर्च क्वेश्चन अलग चीज होता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। आप लोग अपना रिसर्च क्वेश्चन, और रिसर्च बहुत तरह का है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग ये सारी चीजें पढ़ते जाएंगे ना, ये आपको क्लियर होता चला जाएगा सब कुछ। ठीक है, टाइटल अलग है, रिसर्च क्वेश्चन अलग है। ठीक मैम जैसे कि आप रिसर्च रिव्यू बताने वाले हैं, वैसे ही हमें कोई ऐसा कुछ आइडिया मिलेगा जैसे जैसे कि हम रिसर्च क्वेश्चन मतलब ढूंढ सके। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है कि आपको लगता है कि नहीं इस पे काम होना चाहिए। ठीक है, तो तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी है क्या जिससे हम हाँ कर हाँ सकते? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बताऊंगी मैं आपको, आगे मुझे यही बताना है। आगे क्वेश्चन आ गया सबको समझ में कि रिसर्च क्वेश्चन हमें कैसा बनाना चाहिए। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च टाइटल दोनों अलग अलग चीजें, कंफ्यूज मत होइएगा। और इस जगह पे आकर के आपने अपना रिसर्च पहले सबसे अप्रूव करवा चुकी हैं आप, आपका यहाँ पे आकर के आपका रिसर्च स्टेप पूरा हो चुका है, सारे कमिटी से पास हो चुका है आपका प्लानिंग, आपने सब कुछ सोच के रखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको डेटा कलेक्शन करने जाना है। ठीक है, मतलब आपका रिसर्च प्लानिंग कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आप ये सारी चीजें मतलब तब जाके आप रिसर्च करती हैं, जो लिखा हुआ है वही करना है आपको। ठीक है, तो हमारे पास तो आंसर हो ही नहीं सकता है, तो टाइटल जब भी होगा आपका, अभी आपको दिखाऊंगी मैं, अभी पेपर दिखाऊंगी मैं आपको आगे, अभी मैं रखी हूँ स्लाइड्स में। ठीक है, ओके चलिए चलिए, ये होमवर्क है आपका, लेकिन अभी नहीं दूंगी मैं आपको, जब थोड़ा पढ़ा दूं आपको उसके बाद में दूंगी। अब देखिए, रिसर्च क्वेश्चन के बाद क्या था, लिटरेचर रिव्यू था। तो लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, लिटरेचर रिव्यू में आपको पहले ही बताई थी कि बहुत सारे पेपर जो बहुत सारे आपके टॉपिक पे, जैसे हाइपरटेंशन ही है तो बहुत सारा पे रिसर्च हुआ हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च हुआ हुआ है, हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अब लिटरेचर रिव्यू क्या है, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग। मैं आपको बोलती हूँ कि रिसर्च जब भी आप करेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग रखना होगा, एक फिलोसफिकल थिंकिंग रखना होगा आपको। ठीक है, तो अ लिटरेचर रिव्यू इज अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ सेगमेंट ऑफ पब्लिश बॉडी ऑफ नॉलेज थ्रू समरी क्लासिफिकेशन
एंड कंपैरिजन ऑफ प्रायर रिसर्च स्टडी रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड थ्योरेटिकल आर्टिकल्स। देखिए ये सब में मत जाइए आप, ठीक है, आप इनको छोड़िए। अब देखिए रिसर्च लिटरेचर भी जो है आपको तीन फेज में है, ठीक है, ये प्लानिंग फेज में है। जब आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे होते हैं ना, तो आपको कम से कम 80% लिटरेचर रिव्यू कर लेना चाहिए अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। और जब कर रहे होते हैं रिसर्च तो 5% होता है, आफ्टर जो है आपका 15% होता है। तो हमें लिटरेचर रिव्यू से ही तो सब कुछ पता चलता है ना कि जो हम सोच रहे हैं करने के लिए उसमें कितना काम हुआ हुआ है, ठीक है। कल हमने पढ़ा था इसके बारे में कि क्यों करते हैं हम लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू आपका ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन कैसे करेंगे आप? बुक्स से, टेक्स्ट से, बुक से, बुक में देखिए। टीचर्स हैं, बड़े हैं जिन्होंने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए होंगे, तो आपके लाइब्रेरी में जरूर आपको पेपर्स मिलेंगे जिन्होंने पहले काम किया हुआ है ना उस टॉपिक पे, ठीक है, तो वहां पे आपको जरूर से मिलेंगे पेपर, ठीक है। और ऑनलाइन क्या है आपका, जैसे गूगल स्कॉलर हो गया, अभी आप गूगल स्कॉलर पे ही सीखिए, वो इजी होता है और बहुत जल्दी समझ में आता है, और सबसे पहले मैं गूगल स्कॉलर से ही करवाती हूँ शुरू, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू अगर हमें ऑनलाइन करना है तो गूगल स्कॉलर है, अगर आप मेडिसिन के ऊपर कर रहे हैं या साइंटिफिक ये स्टडी है तो आपका पबमेड है, बहुत सारा एरिक है, अभी आपको दिखाती हूँ मैं स्लाइड्स में, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू रिसर्च क्वेश्चन आपका बन गया है, अब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर जानने के लिए कि उस एरिया में क्या हो चुका है, क्या और होना बाकी है, क्या मैं जो सोच रही हूँ वो यूनिक है या वो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम जो अभी चल रहा है उसको सॉल्व करने वाला है, ठीक है, इस तरह से होता है। तो देखिए ड्यूरिंग एंड आफ्टर डेटा कलेक्शन क्यों लिटरेचर रिव्यू करेंगे? लिटरेचर रिव्यू इसलिए करेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपको हाइपरटेंशन पे करना है, तो ये तो आप सोच रहे हैं लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, आपके पहले भी तो बहुत काम हुआ हुआ है ना उसके ऊपर। हाइपरटेंशन में अकेले तो नहीं है सिर्फ जो आप सोच रहे हैं, उसके पहले हजारों लोगों ने उस पर काम किया होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस पर क्या काम हुआ हुआ है, कहाँ तक काम किया हुआ है। मान लीजिए आपको मॉड्यूल ही बनाना है, हो सकता है हाइपरटेंशन पे पहले से 10 लोगों ने मॉड्यूल बना के रखा हो योगा का, तो फिर आपका रिसर्च, फिर तो आपका वो जो आपका रिसर्च है वो ऑलरेडी 10 लोगों ने पहले से किया हुआ है, तो उसको यूनिक बनाना है ना। तो हो सकता है 10 लोगों ने एडल्ट पे किया हो, बच्चों पे नहीं किया हो, या हो सकता है। वो तो समझ में आया क्यों करना है, जैसे हम बिफोर स्टार्टिंग द रिसर्च वर्क हमें करना चाहिए कौन से एरिया में नहीं हुआ है काम, उसको पकड़ के हम कर सकते हैं। पर ये जो आप लिखे हो 5% हम ड्यूरिंग करेंगे एंड आफ्टर डाटा कलेक्शन 15% करेंगे, तो ये ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्यों करेंगे? ये डाउट है, आफ्टर इसलिए करेंगे, जब आप देखिए यहाँ तक जो आप प्लानिंग फेज है ये तो थ्योरेटिकल फेज है ना आपका, ये जो प्लानिंग फेज में आप कर रहे हैं मतलब आप रिसर्च शुरू करने के पहले, ये प्लानिंग फेज का है आपका जो बिफोर 80% लिखा हुआ है ना। ड्यूरिंग मतलब जब आप डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं तो हो सकता है ना कि आपको और भी कोई, देखिए थ्योरी अलग होता है प्रैक्टिकल अलग होता है। थ्योरी में मैं लिख दी कि 50 लोगों को जो है मैं योगा करवाऊंगी, 50 लोगों को मैं फिजिकल एक्सरसाइज कराऊंगी, 100 लोग को मैं लिख दी, अब मुझे करवाना ही होगा। लेकिन मान लीजिए आप वहां पे गए और वो राजी ही ना हुए, आपको 50 सैंपल ही ना मिला हो, ठीक है, या आपके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया जो आपको लिटरेचर रिव्यू करना हुआ कि हाँ अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे लिटरेचर, क्योंकि हर चीज का समाधान आपको रिसर्च में, आपको रिसर्च पेपर पढ़ने से ही मिलेगा, ठीक है। तो उस समय भी आपको करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हम थ्योरी में लिख दिए प्लानिंग कर लिए वो सेम टू सेम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ड्यूरिंग जब हम रिसर्च भी करते हैं तो हमारे पास जो भी चीज के लिए जो भी सॉल्यूशन, मान लीजिए हो सकता है कुछ ऐसा हो गया हो जो मैं थ्योरी में नहीं लिखी हो और प्रैक्टिकली मेरे साथ हो रहा है, जैसे मैं मान लीजिए योगा सेशन देने गई और बच्चे ही तैयार नहीं है कि मुझे नहीं करना योगा, क्या करूंगी फिर मैं, मुझे तो उतना सैंपल देना है, ठीक है। तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है बेस्ट सॉल्यूशन है लिटरेचर रिव्यू करना, लिटरेचर रिव्यू से आपको सब कुछ पता चलता है, क्योंकि उसमें हर चीज जो रिसर्चर जो है उसमें हर चीज लिखा होता है कि उसको क्या डिफिकल्टी हुई, उसके क्या जो है लिमिटेशन थे, कहाँ पे वो जो है उस चीज को नहीं कर पाए, वो सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं तो 5% मतलब उस समय भी लिटरेचर रिव्यू कर, कहने का यहाँ मतलब है कि प्लानिंग फेज में आपको 80% लिटरेचर रिव्यू कर लेना चाहिए ताकि आपका प्लानिंग बहुत स्ट्रांग, जितना अच्छा लिटरेचर रिव्यू होगा उतना अच्छा प्लानिंग होगा आपका, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें तो आपको पेपर पढ़ के ही पता चलेगा ना जो रिसर्चर ने लिखा है कि कहाँ दिक्कत आती है।
ठीक है, तो मैक्सिमम लिटरेचर रिव्यू आपको जो है शुरू में ही कर लेना चाहिए जब आपका प्लानिंग फेज होता है। तो ड्यूरिंग हो गया ये डेटा कलेक्शन, आफ्टर हो गया जैसे मान लीजिए मैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस लगाती हूँ या कुछ भी लगाती हूँ, तो हाँ मेरे से पहले मान लीजिए जो है वो नहीं आ रहा हो, मैं पैरामेट्रिक टेस्ट लेके चल रही थी और जब मैं करने बैठी तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट आ गया, तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में फिर जो है आगे क्या। तो मुझे लिटरेचर रिव्यू से ही, लिटरेचर रिव्यू ही आपका आंसर है, क्योंकि रिसर्च में मैं पहले भी बताई थी कि आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, आपको पेपर का साइटेशन दे के बताना पड़ता है कि इस पेपर में ये ऐसा हुआ है तो इसलिए मैं अपने पेपर में भी ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, यही एक तरीका होता है जस्टिफाई करने का। ठीक है, आगे समझ में? जी मैम। चलिए अब पर्पस तो देखिए हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होना होता है, क्यों क्यों करते लिटरेचर रिव्यू, ऐसे पढ़ लेती हूँ एक बार। टू नो व्हाट हैज बीन डन एंड व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है, क्या हो चुका है और क्या हो सकता है, लिटरेचर रिव्यू हम इसलिए भी करते हैं। अपने स्टडी में नोवेल्टी लाने के लिए, मतलब नया यूनिक बनाने के लिए, ठीक है, ताकि एक रिसर्चर का दूसरे रिसर्चर से डुप्लीकेशन ऑफ स्टडी नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो कि जो हम सोच रहे हैं वो ऑलरेडी स्टडी हुआ हुआ है फिर हम उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द फील्ड, जो भी आपका टॉपिक है उस चीज को समझने के लिए। टू अंडरस्टैंड रिसर्च गैप, रिसर्च गैप क्या होता है कि मान लीजिए मॉड्यूल तो बना हुआ है लेकिन मॉड्यूल अभी तक यूज नहीं हुआ है पेशेंट पे, ठीक है, कहीं ना कहीं दो रिसर्च के पीछे मान लीजिए जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, रिसर्च गैप का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जैसे मैं मॉड्यूल वैलिडेट कर दी, किसी ने यूज नहीं किया अभी तक, दोबारा उसको रिसर्च नहीं किया है उसके ऊपर, ठीक है, तो आप वो मॉड्यूल लेकर के आगे, मतलब जो रिसर्च गैप है जो भी या कोई सारे पार्टिसिपेंट के ऊपर कर दिया है लेकिन एडोलेशन पे नहीं हुआ है, ये एडल्ट तक ही हुआ है, तो उस तरह का रिसर्च गैप जो है हमें लिटरेचर रिव्यू से ही पता चलता है। ठीक है, डिमिलिटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, गेनिंग मेथोडोलॉजिकल इंसाइट, शायद ये पढ़ाई थी मैं कल आपको ना, आइडेंटिफाइंग रिकमेंडेशन फॉर फर्दर रिसर्च बाय अदर्स, तो ये सारी चीजों के लिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू आप करते कहाँ से है, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं जहां से हम लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफाइन क्लियरली व्हाट इज टू बी सर्च, तो इसमें देखिए क्या ऑनलाइन डेटाबेस क्या क्या है जहां से आपको पेपर मिलते हैं रिसर्चर के, अगर कोई मेडिसिन के ऊपर कर रहा है, साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है, तो उसको पबमेड में देखना चाहिए। साइंस डायरेक्ट भी है, साइकनेट है, ये साइकोलॉजी वाले के लिए है, इरिक है, तो ये सारे जो है आपके डेटाबेस है जहाँ पे आप जर्नल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, रिसर्चर के आपको पेपर मिलते हैं। यहाँ पे आप कीवर्ड बना के डालेंगे जैसे योगा, हाइपरटेंशन, एडोलेसेंट, इस तरह से हमें कीवर्ड बनाना पड़ता है। ठीक है, उसको जब हम कॉमा दे दे करके डालते हैं तो वो सारा का सारा पेपर हमारे पास आ जाता है जितने भी रिसर्च हुए हैं। ठीक है, लिटरेचर कैन बी ऑब्टेंड थ्रू ऑफलाइन मींस, अब ऑफलाइन में कहाँ से मिलता है, प्रिंट जर्नल्स इन द लाइब्रेरी, जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी होता है वहां से हमें ऑफलाइन जर्नल्स भी मिलते हैं। ठीक है, करते कैसे सर्च, मैंने जैसे बोला कि आपको कीवर्ड बनाना होता है, हम लोग योगा के स्टूडेंट है तो हमारा इंटरवेंशन हो गया, तो इंटरवेंशन क्या हो गया, योगा हो गया, उसके बाद फिर जो है हमारा पॉपुलेशन क्या हो गया, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, फिर उसके बाद फिर हमारा जो है ये असेसमेंट टूल, अगर हम कुछ यूज कर रहे हैं, कुछ पार्टिकुलर टूल डाल रहे हैं, या नहीं तो मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन एयर देखना है कि इसमें क्या क्या का क्वेश्चन, मतलब कुछ भी सर्च करने के लिए हमें कीवर्ड बनाना होता है, जो भी आप कीवर्ड डालते हैं उस कीवर्ड से जो है आपके पास पेपर आ जाता है। ठीक है, और पेपर हमेशा ऑथेंटिक सोर्स से ही निकालना चाहिए, जैसे गूगल स्कॉलर हो गया, पबमेड हो गया, साइंस डायरेक्ट हो गया, ये सब ऑथेंटिक सोर्स है, ये आपको कोई भी, क्योंकि जर्नल्स में भी जो है अभी जर्नल्स में भी बहुत सारे फेक जर्नल्स होते हैं। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए हमें जो है इस तरह के ऑनलाइन डेटाबेस पे जो है ये कभी भी फेक जर्नल नहीं दिखाएंगे आपको। हम ये शोध गंगा भी शायद यही दिखाता है ना? हाँ देखिए, शोध गंगा होता है थेसिस, थेसिस और जर्नल में फर्क होता है। जर्नल होता है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, जैसे मैं अभी पेपर लिख रही हूँ, मैं जर्नल के लिए पेपर मुझे मैं जर्नल में डालूंगी अभी। ठीक है, शोध गंगा क्या होता है कि एक जब मुझे जब थेसिस लिखना होगा, मतलब शुरू से लेके अंत तक मुझे अपनी कहानी लिखनी होगी रिसर्च की, तो उसको थेसिस बोलते हैं। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में है कि हमें 3 पेपर पब्लिश कराना होता है। ठीक है, तो 3 पेपर वो जर्नल पब्लिकेशन हुआ, वो थेसिस नहीं हुआ, वो हम जो रिसर्च किए हैं वो उस चीज का, वो पार्टिकुलर टॉपिक पे,
और जब हमें पूरा डिटेल आपको देखना है, जैसे शोध गंगा है तो उसमें आपको थेसिस दिखेगा, उसमें जो हम लोग जब डाल जब थेसिस डालते हैं तो वो शोध गंगा में ऑनलाइन दिखेगा फिर आपको, ठीक है। थेसिस अलग चीज है और जनरल पब्लिकेशन, ये जनरल अलग चीज है, लिटरेचर रिव्यू अलग चीज है, ठीक है। वो एक रिसर्चर की पूरी कहानी होती है जो थेसिस होता है आपका, ठीक है। फिर क्या होता है कीवर्ड, देखिए जैसे कीवर्ड मैं आपको बताई, कभी भी आप लिटरेचर रिव्यू कीजिए तो 5 साल से ज्यादा का पेपर नहीं देखना चाहिए, ठीक है। 3 साल 5 साल, 5 साल बहुत हो गया, 5 साल से ज्यादा पुराना का पेपर का कभी भी रेफरेंस नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर दिन एक चीज बदलता जा रहा है, बहुत पुराना पेपर हमें हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो 5 साल तक का जो है ये है, ऑथर है, टॉपिक है, मतलब जो भी चीज आपको पता है उस पेपर के बारे में, आप उसको कीवर्ड बना के सर्च करेंगे तो वो सारा डिटेल आपके पास आ जाएगा। जैसे हमें कुछ गूगल में सर्च करना होता है तो हम बनाते हैं ना कि इसका मीनिंग क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इस तरह करके डालते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन मीनिंग ऐसे करके, तो गूगल वो दिखाता है। तो उसी तरह ठीक जो है आपका डेटाबेस में, जब आप ऑनलाइन डेटाबेस में ये सारी चीजें डालते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं, तो वो आपको सारा का सारा पेपर बना के दिखाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है रिलीवेंट आर्टिकल्स जो है सेलेक्ट करना चाहिए, रिलीवेंट जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है कि बहुत बारी क्या होता है कीवर्ड आपने कुछ गलत बना दिया हो या कुछ अनवांटेड चीज है जो आपके मतलब का नहीं है, ठीक है। तो हमें हमेशा रिलीवेंट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, जो पेपर जो आर्टिकल हमारे लिए रिलीवेंट हो, उसी पेपर को हमें सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। रीड अप्रेज एंड ऑर्गेनाइज द लिटरेचर। अब लिटरेचर ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, मान लीजिए कि एक पेपर में तो बहुत सारा चीज दिया होता है, ठीक है, कि उसके पार्टिसिपेंट कौन है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसका मेथड क्या है, बहुत सारा चीज होता है, तो इसको हमको एक जगह जमा करना होता है, तो कैसे करते हैं उसको, देखिए देखिए जब भी हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, अगर किसी को एक्सेल शीट बनाना आता है तो ठीक है, नहीं तो एक पेन पेपर निकालिए और उसमें जो है स्केल से लाइन दीजिए और ये कॉलम बनाइए, ठीक है। एक कॉलम बनाइए टाइटल का, एक कॉलम बनाइए जर्नल ईयर ऑथर का, एक कॉलम बनाइए प्रॉब्लम का, एक कॉलम बनाइए मेथड प्रोसीजर का, एक कॉलम बनाइए फाइंडिंग का, एक कंक्लूजन का, और एक जो है सिग्निफिकेंट टू रिसर्चर प्रॉब्लम, ये इसका कॉलम बनाइए आप। अगर आपका आपको लगता है कि आप एक्सेल शीट नहीं यूज करते, आप नहीं कर पाएंगे, तो पेपर पेन से लीजिए, उसी पे आप बनाइए, ठीक है। तो उसमें जो है कॉलम वाइज बनाइए लिटरेचर रिव्यू, क्योंकि हमें एक पेपर तो देखना नहीं है, हमें अपने पेपर को, हम अपने टॉपिक को सोचेंगे तो हम बहुत सारा पेपर देखेंगे ना, तो ये पॉसिबल नहीं है याद रखना कि उसका टाइटल क्या था, वो कौन सा, बार बार हम गूगल स्कॉलर पे थोड़ी ना सर्च करेंगे। तो हम एक लिटरेचर रिव्यू ऑर्गेनाइजर बोलते हैं उसको, लिटरेचर रिव्यू ऑर्गेनाइजर में आपका ये सारा चीज होना चाहिए, ठीक है, कि कल को फिर आप जब रिसर्च करें तो आपके पास सारा पेपर आपका पास किए, इसकी टाइटल क्या थी, जनरल कौन था, उस इस पे किस प्रॉब्लम पे डिस्कस किया गया हुआ है, वो आपके पास सामने रहे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको अभी तो नहीं, लेकिन जो है ये होमवर्क है आपका, जब मैं आपको वेरिएबल्स और वो सारी कुछ सारा कुछ जब आपका आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ये करके लाना है, ठीक है। टाइटल मैम, ये जो लिटरेचर रिव्यू करेंगे ये तो टाइटल तो एक ही रहेगा ना, उसके अलग अलग टाइटल एक ही रहेगा। और आपको बता दूं कि जब आपका सीटीआरआई में जब रजिस्टर्ड हो जाता है ना, तो ये टाइटल इसके फिर आपके उस टाइटल पे कोई जो है ना रिसर्च नहीं कर सकता। टाइटल का मतलब है उस टाइटल को फिर कोई अपना टाइटल नहीं बना सकता है। जैसे मूवी में होता है ना कि एक मूवी बन गया तो वही डायरेक्टर जो है वो टाइटल को दोबारा जो है उसको कर सकता है, जैसे सोले 1 2 इस तरह करके। लेकिन अगर मैं चाहूँ बनाने के लिए तो मैं उसको यूज नहीं कर सकती उस वर्ड को। उसी तरह जो आपका एक बार टाइटल रजिस्टर्ड हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो वो उस पे फिर उस टाइटल पे जो टाइटल आपने बनाया है उस पे कोई यूज उस तरह से बना नहीं सकता है, कोई यूज नहीं कर सकता आपके टाइटल को, ठीक है। जर्नल हो गया आपका, कि बहुत सारे जर्नल है, जैसे कि जो है ना एडोलेसेंट के ऊपर जर्नल्स है, बहुत सारे हाइपरटेंशन के ऊपर जर्नल्स है, डायबिटीज पे बहुत सारे सैकड़ों जर्नल्स है, ठीक है। तो आपको जर्नल का नाम लिखना, तो जर्नल का भी नाम होता है कि किस जर्नल में छपा है। इंटरनेशनल जर्नल होता है, इंडिया के यूनिवर्सिटी से भी बहुत सारा जर्नल है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपनी जर्नल निकालती है जो यूजीसी के लिस्ट में है,
ठीक है, तो जर्नल क्या हो जाता है आपका, जिसमें हम पेपर, जैसे मान लीजिए आप लोग यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं तो अरिहंत की बुक है, ये बुक है, ऐसे बोलते हैं ना, आपके पास बहुत ऑप्शन है ना, उसी तरह जर्नल में भी रिसर्चर के पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। रिसर्चर चूज करता है कि उसको किस जर्नल में छपाना है। जैसे मान लीजिए कोई हाइपरटेंशन पे कर रहा है तो हमको जो है देखना है कि हाइपरटेंशन का जर्नल कौन कौन सा है इसमें, ठीक है, तो इसलिए हर जर्नल का नाम अलग होता है, तो हमें ये जर्नल का नाम अलग होता है, तो इसीलिए हमें जर्नल का नाम भी लिखना चाहिए कि किस जर्नल में था, और हमेशा अच्छा जर्नल पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे फेक जर्नल भी है, जो मतलब जर्नल नहीं है लेकिन ऐसे बड़े बड़े नाम रखे हुए इंटरनेशनल जर्नल और इस तरह करके, वो फेक जर्नल है, वो जर्नल रियल होता नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें आप मत पढ़िए, आप जो है सिर्फ इस पे इतना ध्यान रखिए कि आपको जर्नल का नाम लिखना। अभी मैं पेपर दिखा देती हूँ, टाइम है अभी मैम, चलिए थोड़ा टाइम है। हाँ बताइए मैम, डेजिनेशन और थीसिस में क्या अंतर है, दोनों सेम है कि अलग है? क्या क्या, डेजिटेशन और थेसिस। हाँ हाँ डेजिटेशन हो गया छोटे लेवल पे, जैसे कि हमने मास्टर डिग्री किया है तो हम डेजिटेशन बनाते हैं, ठीक है, लेकिन थेसिस क्या होता है, एक पीएचडी होल्डर ही बनाता है। थेसिस क्या होता है कि जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर जगह हम लोग का नाम रजिस्टर्ड है एज ए पीएचडी स्कॉलर, ठीक है, तो जो थेसिस होता है वो पीएचडी में आप बनाते हैं, डेजिटेशन जो है वो उसका पब्लिक है, जैसे कि हम लोग एमएससी में डेजिटेशन करते हैं तो छोटा स्टडी होता है ना, बस सीखने के लिए करते हैं कि अगर किसी को पीएचडी में पीएचडी करना हो तो वो डेजिटेशन बहुत हेल्प करता है, ठीक है, तो डेजिटेशन क्या हुआ आपका एक छोटे मतलब इस पे जो रिसर्च करते हैं आप एमएससी लेवल पे करते हैं या एमए लेवल पे करते हैं, वो आपका लघु शोध भी बोलते हैं मैम इसको, लघु शोध। हाँ लघु लघु शोध तो पायलट स्टडी होगा मेरे ख्याल से, डेजिटेशन का हिंदी तो मुझे नहीं पता, लेकिन लघु मतलब छोटा होता है ना, तो पायलट स्टडी को छोटा बोलते हैं हम लोग। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं सही बताऊं आपको तो, जैसे हमें कोई भी एक बहुत बड़ा मेन स्टडी करने के पहले ना एक छोटा पायलट स्टडी करना पड़ता है छोटे सैंपल पे, ठीक है, तो अगर किसी अगर हमने ऐसा टॉपिक लिया कि जो अभी तक किसी ने लिया नहीं है, तो उसका लिटरेचर रिव्यू हम कैसे करेंगे फिर? नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी टॉपिक नहीं है, जो आप जब सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा उसके ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा टॉपिक होता है कि जिस पर अभी तक रिसर्च हुआ ही नहीं है। आप देखिए जितने भी जो कंट्री का रिसर्च इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, जिस कंट्री में जितना रिसर्च होता है वो कंट्री उतना डेवलप कहलाता है, सब कुछ तो रिसर्च हुआ है ना। हाँ बताइए, अगर एग्जैक्ट एरिया नहीं है तो रिलेटेड एरिया का लिटरेचर रिव्यू। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जैसे कि मेरा जो रिसर्च है वो रिलेटेड है एडिक्शन से, ठीक है, तो मैं एडिक्शन पे इस पे कर रही हूँ पूरा, ठीक है, तो ये चीज है, मतलब आपको कहीं ना कहीं से मिल, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे रिसर्च हुए हुए हैं, जब आप सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा उसमें। मैम रिसर्च पेपर कौन से साइट पे जाके सर्च करने रहता है? अभी मैं आपको बताई ना, ये साइट है, ये साइट ही तो पढ़ाई थी अभी मैं, ये देखिए ये जो है पबमेड है, साइंस डायरेक्ट है, गूगल स्कॉलर है, साइंस साइकनेट है, तो ये हम लोग को ये सब नहीं देखना है, हम लोग को सिर्फ गूगल स्कॉलर देखना है अभी, ठीक है। अच्छा, गूगल गूगल स्कॉलर पे जाके जो हमको पढ़ना है वो वाली रिसर्च डाल दो। हाँ। जैसे जिस पे हमको करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं आपको दिखा ही देती हूँ जब मैं कर रही हूँ, स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस मैम। ठीक है चलिए, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ गूगल स्कॉलर, आ गया ये, मैं इस पे क्लिक की, ये आ गया गूगल स्कॉलर। अब जैसे मान लीजिए उस दिन मुझे आप लोग पूछ रहे थे मॉड्यूल वैलिडेशन का, ठीक है, तो मैं बनाई योगा मॉड्यूल, ठीक है, वैलिडेशन, ठीक है, ये मेरी जो
ये सौभाग्य दीदी का पेपर है, ये इंटरनेशनल जर्नल है, ब्रिटिश इंटरनेशनल जर्नल में छपा है, मैं दिखा देती हूँ आपको। उन्होंने जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं ना उनके लिए मॉड्यूल बनाया था योगा मॉड्यूल की, योगा उनको कैसे हेल्प कर सकता है। देखिए दिखाते हैं, देखिए कितने सारे पेपर आ गए आपके पास है ना, इतना सा ही कीवर्ड डालने के लिए मुझे एक पेपर देखना था, लेकिन देखिए कितना सारा रिजल्ट आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब देखिए ये पेपर कौन सा है, उस दिन पूछ रहे थे ना कि वैलिडेशन कैसे होता है, मैम मॉड्यूल कैसे बनाते हैं। ये देखिए इनका पेपर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे जर्नल में छपा है। मैम क्या ये इंग्लिश में बनाना जरूरी है क्या? हाँ इंग्लिश में ही आपको ये करना होता है। इंटरनेशनल में मैम इंग्लिश में होता है आई थिंक। हाँ इंटरनेशनल में तो आपको इंग्लिश में ही होगा ये जो है। देखिए ये है ना, अब देखिए आप पूछ रहे थे ना, ये देखिए ये है टाइटल डेवलपमेंट, दिख रहा है सभी को स्क्रीन? ये ठीक है, चलिए देखिए ये है आपका टाइटल, क्या है? डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ योगा मॉड्यूल फॉर चिल्ड्रन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट अ फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है कि डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया मतलब हमने एक योगा मॉड्यूल तैयार कर लिया कि जो मतलब जो अंधे बच्चे हैं जिनका जो देख नहीं पाते हैं, ठीक है, हमने एक योगा मॉड्यूल डेवलप कर लिया कि इसमें ये आसन होना चाहिए, ये प्राणायाम होना चाहिए, ये प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, ठीक है, ये मुद्रा होना चाहिए, इस तरह से हमने एक डेवलप कर लिया एक मॉड्यूल। फिर वैलिडेशन कैसे कराए, एक एक्सपर्ट टीम के पास गए, और एक्सपर्ट टीम में जैसे कि कोई ब्लाइंड स्कूल के टीचर भी हो सकते हैं, योगा जो कराते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है, या जिन्होंने इसके ऊपर काम किया हो, ठीक है, तो ये एक्सपर्ट एडवाइस के ऊपर हम जो है इसको वैलिडेट कराते हैं योगा मॉड्यूल को। अब देखिए इसमें मैंने बोला ना टाइटल में और रिसर्च क्वेश्चन ऐसा एक सूत्र के तरह होना चाहिए जिसमें हर कुछ आना चाहिए, जैसे डेवलपमेंट है, वैलिडेशन है, एक योगा मॉड्यूल हम तैयार कर रहे हैं, किसके ऊपर कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, सैंपल कौन है हमारा जो देख नहीं सकते हैं, और स्टडी क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। तो यहाँ डेवलपमेंट और वैलिडेशन का सिर्फ बात हो रहा है, फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि हमने डेवलप तो कर लिया, वैलिडेट भी करा लिया, हो सकता है कि जब हम उनको प्रैक्टिसेस दे रहे हो तो वो कर ना पाए, ठीक है, ये तो हमारा थ्योरी थ्योरी काम चला, एक प्रैक्टिकल करके भी तो देखना होगा हमें। तो फिजिबिलिटी स्टडी होता है कि फिर हम जो मॉड्यूल हमने तैयार किया है उसको जो है बच्चों को देना और ये देखना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उन्हें करने में। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है, ठीक है, क्लियर है मैम, क्लियर है आवाज। अच्छा चलिए आप अपने तरफ का इंटरनेट एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, हो सकता है कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही हो। कहाँ थे हम, अगर आपको कुछ पूछना है ना तो लिख के चैट में पूछ लिया कीजिए सबसे, ठीक है, अगर आवाज नहीं आ रही है या कुछ इस तरह का, ठीक है। डेवलपमेंट बता दिया मैंने, वैलिडेशन हो गया, योगा मॉड्यूल हो गया, ठीक है, जो योगा मॉड्यूल को जो है हम डेवलप किए, पहले हमने एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि हमारा आसन प्राणायाम ये सारा क्या होना चाहिए, वैलिडेट कराए जो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, ठीक है, उसके बाद फिर जो है उस मॉड्यूल को फिजिबिलिटी स्टडी होता है कि हमने, मेरे पास मॉड्यूल तो बन के तैयार हो गया लेकिन जो मॉड्यूल बन के तैयार हुआ है वो प्रैक्टिकली हम बच्चे कर पाएंगे कि नहीं, तो उसके लिए हम एक फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। तो ये टाइटल ऑफ द स्टडी है आपका। कोई कुछ बोल रहा था? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है। मैम ये फिजिबिलिटी स्टडी सभी में जिस पर भी किया जाएगा वो सभी में देखा जाएगा कि वो काम कर रहा है या नहीं, है ना? नहीं नहीं देखिए ये है ना सैंपल आपका चिल्ड्रन, ये किसके ऊपर किया गया है, चिल्ड्रन के ऊपर, तो इसमें एज लिखा होगा कि कितने से कितने एज ग्रुप पे किया गया है, इस पेपर में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने बोला था कि पहले आपको टाइटल लिखना होगा, जर्नल कौन सा है, तो जर्नल ये है ब्रिटिश जर्नल ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। मैंने कहा ना कि जो आपका रिसर्च टॉपिक होता है उसी टॉपिक के रिलेटेड जो है आपका जर्नल भी होता है, वो जर्नल आपको वो तरीका होता है खोजने का, ठीक है, तो ये विजुअल इम्पेयरमेंट पे है तो ये जर्नल भी इसी के ऊपर है, ठीक है।
तो इस पे जो है काम हुआ है, इस ये जर्नल का नाम ये है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है टाइटल बता ही दिया मैंने आपको। अब देखिए, अब इसमें जो है आपको इंट्रोडक्शन सारा कुछ ये सब दिया हुआ है, वो पढ़ लीजिए। देखिए मेथड क्या है, जब आप इसको पढ़ेंगे कि तो आपको पता चल जाएगा कि एक मॉड्यूल को कैसे डेवलप करते हैं, ठीक है। कि मॉड्यूल को पहले बनाया गया, डेवलप किया गया, फिर उसको वैलिडेट किया गया, ठीक है, फिर उसका फिजिबिलिटी टेस्ट किया गया, मतलब प्रैक्टिकली वो आसन प्राणायाम जो भी हमने मॉड्यूल बनाया था वो फिजिबिलिटी बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं वो कराया गया। तो इसका मेथड में क्या चीज है, इसमें तीन मेथड है, डेवलपमेंट का मेथड है, वैलिडेशन का मेथड है और फिजिबिलिटी का मेथड है, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर ये फिजिबिलिटी कराने से क्या, डेवलपमेंट कैसे हुआ, किसके किसके पास कराया गया, कौन कौन से एक्सपर्ट थे, कितने कितने मतलब उनका क्या एक्सपीरियंस था, कितने सालों क्या कर रहे हैं, वो पीएचडी है, एमएससी है, क्या है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे वैलिडेशन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए जो मॉड्यूल तैयार हुआ है उसमें सारे प्रैक्टिसेस, देखिए ये प्रैक्टिसेस जो है डेवलप हुआ है ना, कि कौन कौन सा प्रैक्टिस उनको दिया गया है, कितने एक्सपर्ट ने भली, ये सारा कुछ आप मत देखिए, बस ये मॉड्यूल जो बनाया गया है, मैंने कहा ना डेवलपमेंट में पहले आप एक मॉड्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है ना, कि ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस क्या दिया गया है, लूजनिंग एक्सरसाइज क्या दिया गया हुआ है, उसके बाद फिर योगासना क्या दिया गया है उनको, ठीक है, सिटिंग आसना क्या है, स्टैंडिंग आसना क्या है, प्रोन आसना क्या है, ये सारा एक मॉड्यूल तैयार किया गया है। और ये मॉड्यूल कैसे निकालते या कैसे ये करते वो नहीं समझना है आपको, बस ये समझिए कि ये मॉड्यूल बनाया गया है, फिर इस मॉड्यूल को वैलिडेट कराया गया है एक्सपर्ट से, उसके बाद फिर इसका फिजिबिलिटी टेस्टिंग हुआ है, उसके बाद फिर जो है आपका ये पेपर पूरा लिखा गया है। ये जब पेपर आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, पेपर का मैं लिंक भेज दूंगी, इसी के ऊपर आप लिटरेचर रिव्यू करके आएंगे, ठीक है। एक ही पेपर पे करना है, अभी आप एक पेपर पे करेंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। इस पेपर का लिंक भेज दूंगी मैं आप सबको, तो आपको पता होगा। हाँ बताइए मैम, वो फेक जर्नल है या नहीं, वो जो साइट दी आपने उससे पता चलेगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी एक दिन में बहुत सारा चीज मत लीजिए, अभी बस जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए, वो पढ़ाना है मुझे, वो बताऊंगी मैं आपको, ठीक है, आगे बताऊंगी मैं आपको आगे के इसमें, ठीक है। तो ये जो है आपका लिटरेचर रिव्यू का है, लिटरेचर रिव्यू में इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी आपको ग्रुप में, बस आपको इस पेपर को पढ़ के जो भी मैं आपको बताई हूँ वो आपको पढ़ के आना है, ठीक है, वो करके आना है, जो मैं आपको बताई ना कि टाइटल का, जर्नल का, ईयर का, ये सारा कुछ आप पेपर में देखेंगे, उसके बाद उसको लिख के लेके आएंगे और फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि आपने क्या क्या लिखा है, क्या समझ में आया आपको, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपका जो है पेपर है, करके लाइएगा होमवर्क, मंडे का बहुत सारा होमवर्क दिया हुआ मैंने, और जो आज होमवर्क भेजी थी मैं आपको, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा कुछ भी होगा लिख के रखिएगा, हम मंडे डिस्कस करेंगे सारा का सारा होमवर्क भी, और एक मैं आपका टेस्ट भी लूंगी, दो तीन को पूछूंगी बस, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो अभी तक की जो स्टडी हो गई है, जो अभी तक हमने पढ़ा है रिसर्च में, उसको देखिए, एक बार नहीं समझ में आए दोबारा देखिए, अभी से आप अलर्ट रहेंगे तो समझ में आएगी चीजें आगे चल के, अभी का चीज नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे का क्लास भी नहीं समझ में आएगा फिर आपको, ठीक है। तो ये सब चीज करके रखना है आपको, आया समझ में? हाँ बताइए। और एक रिसर्च टॉपिक में एक से ज्यादा रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है या फिर एक ही होगा सर? नहीं नहीं, जैसे मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है उस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके दो तीन टॉपिक हो, चार टॉपिक है जो आप मतलब आप ये कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन हाँ वो जितने भी टॉपिक आप बना रहे हैं ना उसके रिसर्च भी आपके अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मुझे करना है ब्लाइंड बच्चों पे, जैसे मैं आपको पेपर दिखाई, तो उसमें एक पायलट स्टडी भी है, ठीक है, एक मेन स्टडी भी है। पायलट स्टडी तो छोटे बच्चे पे, दस बच्चे पे कर लिया, हो गया, खत्म हो गया, तो एक बड़ा स्टडी भी है। तो जो रिसर्च क्वेश्चन है एक पेपर का, जो आपने एक टाइटल बनाया उसका एक ही रिसर्च क्वेश्चन होगा। अच्छा ठीक है मैम, एक टाइटल का आपका एक ही रिसर्च क्वेश्चन होगा। और किसी को कुछ पूछना है? क्या हुआ,
आज समझ में आया क्लास, नहीं समझ में आया? जी मैम आया। ठीक है, अब थोड़ा सा पेपर पढ़ेंगे तो चीजें और क्लियर होगी आपको। और अभी जो है बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, बस अभी स्टार्ट ही हुआ है क्लास, तो मैं लिंक भेज दूंगी, होमवर्क करके आइएगा, जो भी होमवर्क भेजी हो। नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी करिए, ठीक है? और जो नहीं समझ में आ रहा उसको लिख के रखिए, फिर हम मंडे को उसको डिस्कस कर लेंगे क्लास में। किसी को भी मैं 10 बार बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप भी 10 बार पूछने के लिए तैयार रहिए, ठीक है? तो कल हम डिस्कशन क्लास रखेंगे मंडे को, और उसमें जो भी आपके डाउट्स है, जो भी अभी तक के क्लास में आपको पूछना है, आप पूछ सकते हैं उस क्लास में, ठीक है? चलिए चलिए प्रियंका जी, फटाफट आप क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। मेरा बेटा बहुत तंग कर रहे हैं तो आवाज ज्यादा आएगी। अच्छा, और कोई है? पूजा अग्रवाल, ठीक है, आप करवा दीजिए पत्रिका। चलिए आप करवा दीजिए। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद, ईश्वर का ध्यान करेंगे, परमात्मा को नमन करते हुए धन्यवाद देंगे आज की कक्षा का, अपने कार्य का, अपनी हर मेहनत का, अपने हर कार्य, चाहे वो सुबह से लेकर रात तक कोई भी कार्य है, उसे समर्पण करेंगे परमात्मा को, उन्हें धन्यवाद देते हुए ओम का उच्चारण करेंगे, अ उ और म इसी का उच्चारण करेंगे दीर्घ स्वर के साथ 3 बार करेंगे, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शान्तिः शान्तिः शांति। परमात्मा को सब कुछ समर्पण करते हुए, उनको सब कुछ वापस देते हुए, अपने इस जीवन में जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है उसका धन्यवाद देते हुए, आज की कक्षा का हर एक एक क्षण को दोबारा से अपने मन में स्मरण करते हुए एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और धीरे धीरे याद करते हुए उसे छोड़ेंगे। ऐसा 3 बार करेंगे। जो भी आपने कक्षा में पढ़ा है उसे याद कीजिए, लंबी गहरी श्वास के साथ याद कीजिए और धीरे धीरे छोड़ें। परमात्मा को नमन करें, अपने गुरुओं को नमन करें, धन्यवाद दे मैम को, अपने दोनों हाथ में घर्षण करते हुए अपनी आंखों पे लगा लें, ऊर्जा को महसूस करें, ऊर्जावान हुए, धन्यवाद। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्रेयर कराया आपने, ठीक है? फिर अब मंडे के क्लास में मिलते हैं।
और जो भी डाउट्स है आप सबको लेके आना है, ठीक है? धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा। हाँ हाँ मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रही हूँ।